हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी वेलकम टू वन मोर अमेजिंग लेसन ऑन इंग्लिश यह वर्ड देखा है आपने गेट इंग्लिश का एक बहुत ही कॉमन वर्ब है पर यह वर्ब बहुत ही ज्यादा वर्सिटाइल है वर्सिटाइल का क्या मतलब होता है कि आप इस वर्ब को बहुत अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो यानी कि इस वर्ब के बहुत सारे यूजेस है मैं कह सकता हूं कि अगर आपने इस वर्ब के सारे यूजेस समझ लिए तो आप 20% परसेंट टू 30 परसेंट इंग्लिश तो ऐसे ही जान जाओगे तो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे गेट के 15, 15 अलग अलग यूजेस मैं आपको गेट का हर एक यूज बताऊंगा और साथ में एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी बताऊंगा कि उसे कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम सीखेंगे 15 डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ब गेट काफी मजेदार लेसन होने वाला है एंड तक इसे देखिए तो चलिए बढ़ते हैं, हमारे सबसे पहले यूज की तरफ जो है टू अक्वायर और ऑप्टेन समथिंग यानी कोई चीज हासिल कर लेना राइट टू अक्वायर और ऑप्टेन समथिंग चलिए देखते हैं इसे एग्जाम्पल्स में हम कैसे यूज करेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल है आई नीड टू गेट अ न्यू फोन मुझे एक नया फोन खरीदना या लेना जरूरी है आई नीड टू गेट इट मींस आई नीड टू अक्वायर इट नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी फाइनली गॉड प्रमोशन यानी उसने मेहनत की एंड शी टेन्ड या फिर अक्वायर्ड प्रमोशन तो यह था गेट का सबसे पहला यूज आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात अगर आप इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो यानी कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचना चाहते हो और इंग्लिश फ्लूएंटली और कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो तो इन तीन कोर्सेस को जरूर ट्राई कीजिए इंग्लिश के तीन अलग अलग लेवल्स है लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री जो आपको लेवल ए वन से लेवल सी वन तक यानी कि एडवांस लेवल की इंग्लिश सिखाएंगे ये तीनों कोर्सेज आपको एक कॉम्बो पैकेज में मिल सकते हैं यानी कि 180 हंड्रेड एंड एटी इंग्लिश लेसन फोर प्लस क्विजेस और हर लेसन की एक पीडीएफ ताकि आप ऑन द गो रिवाइज कर सको इस कोर्स का कंटेंट मैंने खुद बनाया है और मीरा ने इसे प्रेजेंट किया है ये कोर्स आपको खास कर कर फंक्शनल ग्रामर सिखाया गया यानी कि ऐसी ग्रामर जो इंग्लिश बोलने में काम आती है अगर आप इस कोर्स को बहुत ही सिंसियरली और रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कुछ ही महीनों में आप अच्छी खासी इंग्लिश बोल पाओगे ये मेरा यकीन है इस कोर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी सैंपल लेसन है कोर्स पेज पर उन्हें जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि इस कोर्स को कैसे डेवलप किया गया है और आप इस कोर्स में क्या क्या सीखोगे चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यूज की तरफ जो है टू रिसीव समथिंग यानी कुछ मिलना ये गेट का सेकेंड मीनिंग है एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली exactly समझ में आए इसे यूज कैसे करना है आई गॉट अ ग्रेट गिफ्ट ऑन माई बर्थ डे मुझे मेरे बर्थडे पर एक बहुत ही शानदार गिफ्ट मिला या फिर बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मिला इट मीनस टू रिसीव समथिंग एक और एग्जाम्पल देखते हैं ही गॉट एन ई मेल फ्रॉम द इन्वेस्टर्स उसने अपना बिजनेस प्लान इन्वेस्टर्स को भेजा था और उन इन्वेस्टर्स का ई मेल आया है इट मीन ही रिसीव्ड समथिंग तो ये था गेट का सेकेंड यूज चलिए बढ़ते गेट के थर्ड यूज की तरफ और थर्ड यूज है टू अराइव और रीच समवन यानी कहीं पर पहुंचना यही इसका मतलब है गेट तभी भी हम गेट इस वर्ब को यूज कर सकते हैं चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल है आई गॉट होम लेट लास्ट नाइट फ्रॉम वर्क मैं कल काम से बहुत देरी से घर पहुंचा आई गॉट होम लेट नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी गॉट टू एयरपोर्ट ऑन टाइम हम एयरपोर्ट बस टाइम पर ही पहुंचे वी गॉट टू द एयरपोर्ट ऑन टाइम तो अभी तक हमने गेट के तीन यूजेस देखे राइट right? जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल्स बताते जा रहा हूं आप भी आपके सेंटेंसेस कमेंट्स में लिखना शुरू कीजिए ताकि आपको गेट के सारे यूजेस याद हो जाए चलिए बढ़ते गेट के फोर्थ यूज की तरफ और जो है टू बाय और परचेज समथिंग यानी कोई चीज खरीदना तभी भी हम गेट का यूज कर सकते हैं चलिए देखते हैं कैसे फॉर एग्जाम्पल कैन यू गेट दीज मेडिसिन ऑन योर वे बैक क्या तुम घर आते आते ये दवाइयां खरीद कर ला सकते हो आपको ना ये कहने की जरूरत नहीं कैन यू बायू कैन सिंपली यूज कैन यू गेट नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई क्विकली गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट मैं क्विकली यानी तुरंत मार्केट से सब्जियां लेकर आता हूं या आती हूं तो देखा आपने गेट कितना वर्सेटाइल है आप कितने अलग अलग तरीकों से गेट को यूज कर सकते हो आपके कॉन्वर्सेशन में तो ये था फोर्थ यूज बढ़ते हमारे गेट के फिफ्थ यूज की तरफ जो है टू अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली यानी कोई चीज साफ साफ समझ लेना चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल है आई फाइनली गॉट योर जोक इट वॉज रियली फनी होते हैं ना हमारे कुछ दोस्त जिन्हें कुछ जोक्स बहुत देरी से समझ में आते हैं राइट आई फाइनली गॉट योर जोक, इट वॉज रियली फनी यानी मुझे तुम्हारा जोक अभी समझ में आया और काफी फनी था नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आई डेंट गेट दिस मैथ इक्वेशन कैन यू हेल्प ये मैथ का जो इक्वेशन है ना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ये था इसका फिफ्थ यूज तो जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या समझ में आई है तब भी आप गेट को यूज कर सकते हैं बढ़ते हमारे सिक्स यूज की तरफ जो है टू बी इंफेक्टेड और गेट सिक यानी किसी चीज से इंफेक्शन होना या फिर बीमार हो जाना तभी भी आप गेट को यूज कर सकते हैं आप पूछोगे कैसे चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल है ही गोट इंफेक्टेड वायरस वाइल ट्रैवलिंग वो ट्रैवल कर रहा था उस वक्त उसे वायरस से इंफेक्शन हुआ आई एम श्योर कोविड तो भी चला गया है पर नए नए वायरस तो आ ही रहे राइट नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई गॉट अ कोल्ड एंड फ्लू फ्रॉम माई कॉलीगनली होता है जब हमारे ऑफिस में किसी को सर्दी खांसी बुखार होता है हमें भी पकड़ लेता है राइट right? तभी भी आप गेट का यूज कर सकते हो और यहां पर मैंने दोनों जगह पर गॉट यूज किया है जो गेट का सिंपल पास्ट है आई होप यू आर गेटिंग दिस लेसन राइट बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ यूज की तरफ और वो है टू रिट्रीव समथिंग फ्रॉम समवेयर यानी कहीं से कोई चीज लेकर आना अपनी चीज लेकर आना तभी भी आप गेट को यूज कर सकते हैं चलिए एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल है आई नीड टू गेट माई बुक्स फ्रॉम द कॉलेज मुझे कॉलेज जाकर मेरी किताबें लेकर आनी है नेक्स्ट एग्जाम्पल है आफ्टर सर्चिंग द होल हाउस ही फाइनली गॉट हिज पासपोर्ट फ्रॉम द कार पूरा घर छान मारा और पासपोर्ट कहां मिला गाड़ी में मिला ही फाइनली गॉट हिज पासपोर्ट फ्रॉम बढ़ते हैं गेट के एट यूज की तरफ जो है टू कन्विंस सम वन टू डू समथिंग यानी किसी को मनाना कोई काम करने के लिए चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल है शी गॉट हिम टू चेंज हिज माइंड अबाउट AI। आई ए का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है किसी की राय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सही नहीं वो कहते हैं कि नहीं इससे दूर रहना बेटर है पर उसने उसे कन्विंस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने काम का है क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम का है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना अगर मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एआई बहुत काम का है मैं कह सकता हूं कि एक जमाना ऐसा था कि जहां पर लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल सीखने के लिए क्लासेस में जाते थे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस उस स्टेज पर है और जस्ट समझ लीजिए कि आने वाले पांच सालों में या दस सालों में ये कहां पहुंच जाएगा हम इमेजिन नहीं कर सकते देखते नेक्स्ट एग्जाम्पल दे गॉट मी टू ज्वाइन देयर स्टार्टअप प्रॉमिसिंग गुड रिटर्न मैं उनका स्टार्टअप ज्वाइन करना नहीं चाहता था पर उन्होंने मुझे कन्विंस किया यानी उनका जो बिजनेस आइडिया था वो काफी कन्विंसिंग था और मुझे लगा कि अच्छे खासे रिटर्न्स जरूर मिलेंगे तो देखिए गेट कितना वर्सेटाइल है आप कितने अलग अलग तरीकों से यूज कर पा रहे हो एंड आई होप आप सेंटेंसेस बना रहे हो और कमेंट्स में डाल रहे हो चलिए बढ़ते हैं इसके नाइन्थ यूज की तरफ जो है टू कैच और कैप्चर यानी कोई चीज पकड़ लेना या कैप्चर कर लेना चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल है द पुलिस फाइनली गॉट द पीपल बिहाइंड द मर्डर पुलिस ने आखिर में जिन्होंने मर्डर किया था उन लोगों को पकड़ लिया राइट दे कॉट देम नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई गॉट अ वीडियो ऑफ द एक्सीडेंट बट आई विल नॉट शेयर ऑन सोशल मीडिया मैंने उस एक्सीडेंट का वीडियो तो बना लिया है कैप्चर कर लिया है पर मैं उसे सोशल मीडिया पर नहीं डालूंगा क्योंकि हर एक चीज सोशल मीडिया पर डालने के लिए नहीं होती है राइट right? बढ़ते हैं टेंथ यूज की तरफ और हमारा टेंथ यूज है टू तो गेट हर्ट यानी चोट लगना या फिर किसी डिसीजन्स की वजह से सफर करना यानी उसका बुरा असर झेलना टू तो गेट हर्ट और सफर हम इसे सफर नहीं कहते वो सफर वाला सफर नहीं है यह है सफर यानी झेलना चलिए एग्जांपल्स देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल है आई गॉट सनबर्न एट द बीच आई शुड हैव अप्लाइड द लोशन बीच पर गया था बहुत धूप थी सूरज की वजह से पूरी स्किन जल गया गॉट सनबर्न उसे हम कहते हैं सनबर्न राइट मुझे सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए था तो यहां पर क्या हुआ इनफैक्ट चोट लग गई है नेक्स्ट है ही गॉट इन टू फॉर फोर्डिंग फेक न्यूज फेक न्यूज फॉरवर्ड करने के लिए वो काफी मुश्किल में पड़ गया यानी आप जब फेक न्यूज फॉरवर्ड करते हो और जिससे बवाल मचता है तो डेफिनेटली इवन फिर पुलिस भी आपके पीछे पड़ सकती है तो ही गॉट इन टू ट्रबल फॉर फॉरवर्डिंग फेक न्यूज तो ये था टेंथ यूज और हम बढ़ते हैं हमारे इलेवेंथ यूज की तरफ जो है टू अचीव सक्सेस यानी कामयाबी पाना चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका शी गॉट द हाइस्ट बैंड ऑन हर आयल्स एग्जाम उसे आयल्स एग्जाम में सबसे बेहतर बैंड मिले क्योंकि आयल्स का स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है बैंड पे कैलकुलेट होता है राइट तो शी गॉट दाइएस्ट बैंड इट मीन शी गॉट सक्सेस नेक्स्ट है ही गॉट एन अवार्ड एज द बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर डेफिनेटली उसने कामयाबी पाई बढ़ते हैं ट्वेल्थ यूज की तरफ और गेट का ट्वेल्थ यूज है रिजर्व समथिंग जैसे हम ट्रेन में सीट रिजर्व करते हैं यह भी उसका मतलब हो सकता है टू रिजर्व समथिंग चलिए एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल है आई होप टू गेट द जॉब ऑफ आफ्टर माई इंटरव्यू इट वेंट वेल मेरी उम्मीद है कि मुझे यह जॉब मिल जाएगा क्योंकि मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिड यू गेट योर सीट रिजर्वेशन ऑन द ट्रेन क्या तुम्हें ट्रेन सीट की रिजर्वेशन मिल गई यानी कि तुम्हारी सीट कंफर्म हुई है बढ़ते हैं थर्टीन यूज की तरफ जो है टू स्टार्ट और बिगिन समथिंग यानी किसी चीज की शुरुआत करना एग्जांपल्स है कम ऑन टीम लेट्स गेट बैक टू वर्क शायद एक मैनेजर कह रहा है कि चलो टीम काम शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर गेटिंग द मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्टेड सून जो मेट्रो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ने प्लान किया है वो जल्द ही शुरू हो रहा है तो आप गेट को जब किसी चीज की शुरुआत होती है तभी तो भी यूज कर सकते हो बढ़ते हैं फोर्टीन यूज की तरफ जो है टू डिस्क्राइब अ पैसिव एक्सपीरियंस अभी ये काफी इंटरेस्टिंग यूज है मैं जब आपसे बात कर रहा हूं इस प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूं एक्टिवली बात कर रहा हूं पर कोई चीज अगर हो चुकी है तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करते हो आप उसे पैसिवली डिस्क्राइब करते हो तभी भी आप गेट को यूज कर सकते हो चलिए देखते हैं कैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है आई वॉज अबाउट टू लीव बट आई गॉट with विथ एन इमरजेंसी work। मैं बस निकलने ही वाला था पर उतने में ही एक इमरजेंसी आ गई काम पर जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा तो ये आप किसी को बता रहे हो जो हुआ है पास्ट में नेक्स्ट एग्जाम्पल है I got stuck in traffic for hours because of flooding on the highway. ये मुंबई का बारिश के टाइम का एक कॉमन सीन है कि हाईवे जैम हो जाते हैं क्योंकि जब बहुत तेज बारिश होती है पानी भर जाता है और अब बढ़ते हैं आज के लेसन के लास्ट यूज की तरफ गेट के और वो है टू गेट गुड रिटर्न्स ऑन समथिंग। समझ लीजिए कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की है उस पर अच्छे रिटर्न मिलना तभी भी हम गेट को यूज कर सकते हैं कैसे चलिए देखते सबसे पहला एग्जाम्पल है दे गॉट अ गुड डील फॉर द थ्री बेडरूम हाउस उनके तीन बेडरूम के अपार्टमेंट पर उन्हें बहुत अच्छी डील मिली यानी वो घर काफी अच्छे पैसों में बिका नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ मच डिड यू गेट फॉर योर ओल्ड कार तुम्हें तुम्हारी पुरानी गाड़ी के कितने पैसे मिले राइट right? तभी भी हम गेट का यूज कर सकते हो और ये एक क्वेश्चन है हमने क्वेश्चन में इसे यूज किया है दोस्तों ये था आज का लेसन जहां पर आपने गेट के पंद्रह अलग अलग यूजेस सीखे हैं देखा आपने गेट कितना वर्सेटाइल है और अगर आप ये छोटी छोटी चीजें सीखोगे इंग्लिश में तो आप बहुत ही जल्द इंग्लिश में फ्लूंट होंगे मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में तब तक एज यूजल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश Bye for now.